हेलो, मैं हूं अव्वल। इफेक्टिव स्पीकिंग की जब बात हो तो एक शख्स ऐसा है जिसकी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों जुबानों में एक जैसी मजबूत पकड़ है। मैं बात कर रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू की। उनको सुन के हर कोई ये चाहता है कि उनकी जुबान की कार्बन कॉपी हमें भी मिल जाए। आखिर क्यों उनकी बातें इतनी पावरफुल और इफेक्टिव लगती हैं? इसलिए इफेक्टिव लगती हैं क्योंकि उनके पास वर्ड्स की वैरायटी है, और वर्ड्स की वैरायटी है तो इसलिए बोलने का कॉन्फिडेंस है। मानो अगर कहना हो द परफ्यूम स्मेल्स गुड, तो एक इफेक्टिव स्पीकर इसको ऐसे भी कह सकता है द परफ्यूम स्मेल्स फैंटास्टिक, द परफ्यूम स्मेल्स ऑसम, द परफ्यूम स्मेल्स इनक्रेडिबल। एक इफेक्टिव स्पीकर की क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है रिच वोकैबुलरी, वर्ड्स की वैरायटी। वर्ड्स की वैरायटी होगी तो बोलने का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। मेरी अब तक की वीडियोस में यही कोशिश रही है कि आपको नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स की जगह वो वर्ड्स बताऊं जो आपकी इंग्लिश में वैरायटी ले आए। जो वर्ड्स हमने स्कूल में सीखे होते हैं उनकी जगह बेटर और मॉडर्न वर्ड सिखाऊं। इस वीडियो में मैं 20 एक्सप्रेशंस लेके आया हूं जो आपकी इंग्लिश में वैरायटी ऐड कर देंगे। इनको इंग्लिश में हम सिमिलीज भी बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन मैं चुन के 20 एक्सप्रेशंस वो लेके आया हूं जो आपको समझने में इजी हो और आपके डेली रूटीन में भी यूज हो सके। तो मेरी इस मेहनत को वेस्ट मत होने देना। इन एक्सप्रेशंस को आज आप समझ तो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ताकि आपको ये याद हो सके। सो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को हफ्ते में कम से कम एक या दो बार जरूर देखो, जब तक कि इन 20 में से 10 शब्द, 10 वर्ड्स आपके मुंह पे चढ़ ना जाएं, आपको जुबानी याद ना हो जाएं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन एक्सप्रेशंस को यूज कैसे करना है। मान लीजिए कि आपने ये कहना है कि मेरे कार की जो बॉडी है वो बहुत मजबूत है, तो एक नॉर्मल स्पीकर इसको बोलेगा कि मेरे कार की बॉडी बहुत मजबूत है, और एक इफेक्टिव स्पीकर बोलेगा कि मेरे कार की बॉडी चट्टान की तरह मजबूत है। तो उसकी बात में वैरायटी आ जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो इसी तरह से हम वो 20 एक्सप्रेशंस देखेंगे जिनसे आपकी बात में वैरायटी आ जाए, आप किसी और चीज के साथ अपनी बात को कंपेयर कर सको ताकि आपकी बात इंटरेस्टिंग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वो 20 एक्सप्रेशंस, और हमारा पहला एक्सप्रेशन वही है, सॉलिड एज रॉक, चट्टान की तरह मजबूत। एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ आर कार इज सॉलिड एज रॉक, हमारे कार की बॉडी चट्टान की तरह मजबूत है। दूसरा एक्सप्रेशन, स्मूथ एज सिल्क, रेशम की तरह मुलायम। एग्जाम्पल, आफ्टर यूजिंग दिस सोप माई स्किन हैज बिकम स्मूथ एज सिल्क, इस सोप को यूज करने के बाद मेरी स्किन रेशम की तरह मुलायम हो गई है। हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है श्योर एज डेथ। श्योर एज डेथ हम तब यूज करते हैं जब हम किसी बात को लेके बहुत पक्के होते हैं कि ये बात ऐसे ही है, हम श्योर हैं इस बात के बारे में। जैसे हम श्योर होते हैं मौत के बारे में कि मौत एक दिन आनी ही आनी है, ऐसे ही ये खबर भी पक्की है। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट देयर एट द पार्टी एंड दिस इज श्योर एज डेथ। जो लोग मौत वर्ड यूज करने से हिचकिचाते हैं, कतराते हैं, वो इसकी जगह ऐसे बोल सकते हैं श्योर एज सनराइज, सूर्य उदय की तरह, सवेरे की तरह पक्का। जैसे हर रोज सूर्य उदय होता ही होता है, उतनी ही पक्की है ये खबर। नेक्स्ट, साइलेंट एज द ग्रेव, कब्र की तरह शांत। एग्जाम्पल, द होल बिल्डिंग वॉज साइलेंट एज ग्रेव, पूरी बिल्डिंग मानो एक कब्र की तरह शांत थी। नेक्स्ट, क्विक एज विंक, विंक कहते हैं आंख मारने को। तो जब हम आंख मारते हैं तो जितनी तेजी से आंख बंद होती है उतना तेज, क्विक एज विंक। एग्जाम्पल, हिज डिसीजन अबाउट मैरिज वॉज क्विक एज विंक, शादी के बारे में फैसला उसने बहुत तेजी से लिया। नेक्स्ट, बिजी एज बी, मधुमक्खी की तरह बिजी। जैसे मधुमक्खी हमेशा छत्ते के आसपास भिनभिनाती हुई, काम में लगी हुई, हर टाइम बिजी नजर आती है, इसी तरह बहुत बिजी। एग्जाम्पल, ही हैज बिकम बिजी एज बी आफ्टर ज्वाइनिंग द न्यू जॉब, नई जॉब ज्वाइन करने के बाद वो बहुत बिजी हो गया है। नेक्स्ट,
लाइट एज फेदर, पंख की तरह हल्का. माई न्यू मोबाइल फोन इज लाइट एज फेदर. मेरा नया मोबाइल फोन पंख की तरह हल्का है, बहुत हल्का है. नेक्स्ट, हॉट एज हेल, नर्क की तरह गर्म, दोजक की तरह गर्म. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर्स दिस सिटी बिकम्स हॉट एज हेल. गर्मियों में यह शहर बहुत गर्म हो जाता है. नेक्स्ट, कूल एज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर होता है खीरा, सो खीरे की तरह ठंडा होना. ही इज कूल एज क्यूकम्बर बाय नेचर, वो स्वभाव से खीरे की तरह ठंडा है. नेक्स्ट, ब्रेव एज लायन, लायन माने शेर, ब्रेव मतलब बहादुर, सो लायन की तरह ब्रेव होना, लायन की तरह बहादुर होना. एग्जाम्पल, आर सोल्जर्स आर ब्रेव एज लायन, हमारे सैनिक शेर की तरह बहादुर हैं. नेक्स्ट, ब्लैक एज कोल, कोल मतलब कोयला, सो कोयले की तरह काला. द नाइट इज ब्लैक एज कोल, रात कोयले की तरह काली है. नेक्स्ट, बिग एज एलिफेंट, हाथी की तरह विशाल, हाथी की तरह बड़ा. My new LED TV is big as elephant. मेरा नया LED TV हाथी की तरह विशाल है, बड़ा है. Next, slow as tortoise. कछुए की तरह धीमा. The workers in my factory are slow as tortoise. मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स बहुत धीमा काम करते हैं, बहुत स्लो है. Next, common as dirt. धूल मिट्टी की तरह आम होना, धूल मिट्टी की तरह साधारण होना. एग्जाम्पल, दीज टाइप्स ऑफ टी शर्ट्स हैव बिकम कॉमन एज डर्ट, इस तरह की टी शर्ट्स बहुत आम हो गई हैं. नेक्स्ट, इजी एज एबीसी, एबीसी की तरह आसान. एग्जाम्पल, मेकिंग टी इज इजी एज एबीसी, चाय बनाना एबीसी की तरह आसान है, बहुत आसान काम है. नेक्स्ट, वेट एज फिश, मछली की तरह गीला होना, मछली की तरह भीगा हुआ होना. जैसे मछली पूरी की पूरी पानी में रहती है, वहां से ये एक्सप्रेशन बना है. एग्जाम्पल, आई गॉट वेट एज फिश इन द रेन बिकॉज आई फॉरगॉट टू टेक द अम्ब्रेला, मैं छाता ले जाना भूल गया था, इसलिए मैं बारिश में पूरा का पूरा भीग गया. नेक्स्ट, हंग्री एज वॉल्फ, भेड़िए की तरह भूखा होना. एग्जाम्पल, ब्रिंग फूड क्विकली आई एम हंग्री एज वॉल्फ, जल्दी से खाना लाओ मुझे बहुत भूख लगी है. नेक्स्ट, डेलिकेट एज फ्लावर, फूल की तरह नाजुक होना. एग्जाम्पल, माई हार्ट इज डेलिकेट एज फ्लावर, मेरा दिल फूल की तरह नाजुक है. नेक्स्ट, डीप एज द ओशन, समंदर की तरह गहरा होना. एग्जाम्पल, आर फ्रेंडशिप इज डीप एज द ओशन, हमारी दोस्ती समंदर की तरह गहरी है. और अब आखिरी और बहुत मजेदार वाला, रेयर एज ब्लू रोज, नीले गुलाब की तरह दुर्लभ. कोई चीज जो बहुत कम या ना के बराबर पाई जाती है, उसके बारे में इस तरह से बोला जाता है. एग्जाम्पल, पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर आर रेयर एज ब्लू रोज, सचिन तेंदुलकर के जैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं. सो ये थे 20 मजेदार एक्सप्रेशंस जो आपकी इंग्लिश में वैरायटी ऐड कर देंगे. लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है. प्रैक्टिस इस तरह से करो कि इन वर्ड्स को बार बार बोलो, जैसे कि रोज खाने के टाइम पे बोलो आई एम हंग्री एज वॉल्फ बोलो, ताकि आपके मुंह पे चढ़ जाए और फिर धीरे धीरे करके आप खुद ही समझ जाओगे कि किन खास मौकों पे इन वर्ड्स को आप यूज करो, ताकि आपकी बात इफेक्टिव लगे और आपकी इंग्लिश हाई क्वालिटी इंग्लिश लगे. इस वीडियो का लिंक सेव कर लेना या फेसबुक पे शेयर कर लेना, ताकि आप बार बार इस वीडियो को देख सको. जैसे कि मैंने बताया, हफ्ते में कोशिश करो कि एक या दो बार इस वीडियो को जरूर देखो. मेरी कैमरे के पीछे की सेल्फीज, डिस्कशंस और नौटंकियां देखने के लिए मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो. मेरा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/learnenglishwithawwal.
और इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स लेके आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।